इंस्टाग्राम वायरल नेम एडिटिंग। यू एडिट करना चाहते हैं, अपना फेवरेट नेम पुट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी इजी है। इस वीडियो में आपको मैं आईफोन प्लस एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस में बताने वाला हूँ कैसे आप इस फोटो या फिर कहने की वायरल नेम को एडिट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है इस चीज़ को, आप अपलोड करके अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स इंक्रीज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे ये चीज़ आप फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हो और पर्सनल भी आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ जो है आप किसी भी मोबाइल फ़ोन में या फिर एंड्रॉयड या फिर आईफोन किसी भी छोटे से छोटे मोबाइल में भी बना सकते हो, जो कि काफ़ी ईजी है। बाय द वे ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट मैंने इसको काफ़ी ईजी वे में आपको बताया है। होप ये वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी सारी नेम एडिट करेंगे फेवरेट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, एंड यहाँ पे मैं आईफोन्स वालों के लिए लास्ट में बता दूंगा, जस्ट आप सभी यहाँ पे फॉलो करें। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको पिक्साबी ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करनी है। यहाँ पे आपको सर्च बार मिलेगा कुछ इस तरीके से, एंड देन आपको यहाँ पे टाइप करना है कुछ इस तरीके से, सर्च बार देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप टाइप कर दें जंगल माउंटेन या फिर माउंटेन जंगल, राइट। आप जैसे ही टाइप करेंगे, बाय द वे आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी हाई पिक्सल्स के साथ फ़ोटोज़ को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, राइट। तो आप सभी यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, जो भी आपको फेवरेट लगती है वो आप डाउनलोड कर लें। फॉर एग्जांपल हम इसको डाउनलोड करेंगे, एंड आप काफ़ी हाई क्वालिटी चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे साइन इन कर लें जीमेल से, देन आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी में डाउनलोड करने की ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सबसे हाई को चूज़ करें ताकि आपकी पिक्सल जो हैं फ़ोटोज़ के ना डिक्रीज़ हों। देन आप इसको डाउनलोड कर लें गैलरी में, एंड यहाँ से आप इसको कॉपी करके क्रेडिट भी दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी हाँ, तो यदि आप YouTube पे वीडियो अपलोड करें तो यहाँ पे इसका जो है क्रेडिट दे रहे हैं इस फोटो का, ठीक है। लिंक को कॉपी करके डाल देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से और भी डाउनलोड कर सकते हैं हाई क्वालिटीज़ में, ठीक है। चलो, अब इतना करने के बाद अब आपको नेक्स्ट क्या प्रोसेस फॉलो करना है, अगेन ओपन द सफारी या फिर क्रोम, टैप ऑन द सर्च बार, एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट टाइप करना है अर्बन फॉन्ट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अर्बन फॉन्ट में हम यहाँ पे एडिट करेंगे, तो आपको अर्बन फॉन्ट टाइप करना है। जैसे आप अर्बन लिखेंगे, फॉन्ट ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा, ओके। और एड प्रो, देन आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, फर्स्ट नंबर पे जो भी वेबसाइट आती है वहाँ पे आपको अर्बन जंगल जो है फॉन्ट मिल जाएगी। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको जूम इन करके शो कर देता हूँ, डाउनलोड की ऑप्शन अवेलेबल है, टैप ऑन द डाउनलोड, देन गो बैक, 50% वर्क डन, गो टू द प्ले स्टोर, टैप ऑन द सर्च बार। हम यहाँ पे दो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि ईजी हैं, एंड आपने यूज़ की होंगी कभी ना कभी। फर्स्ट आप सभी यहाँ पे जेट आर्कीवर जो है सर्च करें, जस्ट 2 MB का साइज है इस एप्लीकेशन का, इंस्टॉल कर लें, काफ़ी काम की है। नेक्स्ट आपको कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, पिक्सल ऐप, ये वाली, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। डोंट वरी गाइज, अगर आपने कभी इसको यूज़ नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाएंगे। ओपन इट। अब आपको नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है, इस तरीके से हम यहाँ पे जेट आर्चीवर ऐप को सबसे पहले ओपन करेंगे। हमने जो यहाँ पे फॉन्ट को लिया है उसको हम यहाँ पे कंप्रेस करेंगे, डीकंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस ऐप को ओपन करते हैं जेट आर्चीवर को। वीडियो को स्किप मत न करना, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो डायरेक्टली हम ओपन कर लेते हैं जेट आर्चीवर, सॉरी गाइस हमें यहाँ पे मिल नहीं रही थी ये रही, एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, ओके। देन आपको यहाँ पे डिवाइस मेमोरी सेलेक्ट करें, एंड डाउनलोड का फोल्डर चूज़ करें क्योंकि हमने डाउनलोड की है। अगर आपको ढूंढने में तकलीफ़ हो तो आप सिंपली सर्च पे क्लिक कर दें, ऊपर टॉप पे जो मिलती है वहाँ पे आप अर्बन टाइप करें जस्ट, एंड सर्च कर दें, आपको जिप फाइल मिल जाएगी अर्बन फॉन्ट की, टैप ऑन करें, एंड इसको आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लें, यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर दें। एक्सट्रैक्ट हेयर का बटन देखने को मिलेगा, फिर एक्सट्रैक्ट टू, तो आप एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें। और राइट ब्रो, हमारी जो है फाइल डीकंप्रेस हो गई है सक्सेसफुली, बैक इट। नाउ यू हैव टू ओपन द पिक्सल ऐप बिकॉज हम इसमें एडिट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, इसको मैं बैक कर देता हूँ, न्यू क्रिएट करते हैं, ओके कैंसल। एंड यहाँ पे हम जो फोटोज़ को डाउनलोड किया है, चूज़ फ्रॉम फोटोज़ एंड गैलरी, यहाँ पे टैप ऑन करना है 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद, ओके। देन आपको टैप ऑन करना है रीसेंट्स पे, और राइट यहाँ पे हमारी वो फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं जो हमने पिक्सा बेस से डाउनलोड की थी। एंड यहाँ पे आपको रेशियो देखने हैं, जो आप रेशियो रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम के लिए ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे आई थिंक स्क्वायर
या फिर जो भी इंस्टाग्राम का एक आइकन देखने को मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम का रेशो चूज़ कर लेना। तो यहाँ पे हम पिक्स आर्ट पे चले जाते हैं एंड पिक्स आर्ट पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्रॉप में जाएंगे तो आपको यहाँ पे साइज़ देखने को मिलेगी। यहाँ से डायरेक्टली क्रॉप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर आप रील्स अपलोड करेंगे तो इंस्टाग्राम का यहाँ पे साइज़ अवेलेबल है स्क्योर, एंड इस तरीके से आप सेव कर लें। अब ये इंस्टाग्राम का है एंड इसके ऊपर आपको एडिट करनी है। अगर आप इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर एडिट करना है, ठीक है, जो हमने फोटो का भी क्रॉप किया है पिक्स आर्ट से। बट मैंने यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल के लिए रखा हुआ, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का ही साइज रख लेता हूँ। आपको उसी फोटो को चूज़ करना है जो भी आप रेशो रखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे इस तरीके से एंड यहाँ पे मैंने एक जो है मरीसा नेम ले लिया है, डेट इज़ माई फेवरेट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रखना है, ओके। देन आपको यहाँ पे इसका जो है इस तरीके से नॉर्मली फॉन्ट को आप जो इसकी इंक्रीज़ कर दें, जो भी आप, ठीक है, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ वो आप ध्यान से फॉलो करें। एंड देन आपको फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट पे जाने के बाद आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स मिलेंगे। अब हमें उसी फॉन्ट को यूज़ करना है जो हमने डाउनलोड किया था क्रोम से। एंड नाउ यू हैव टू टैप ऑन दिस फाइल आइकन। आपको फाइल के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड आपको छोटा सा एक आइकन देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे उस फॉन्ट को चूज़ करना है जो हमने डाउनलोड करके कंप्रेस किया था। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे टैप ऑन करना है फोल्डर पे। देन आप स्क्रॉल डाउन करें, आपको वो जो है पार्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल देखने को मिल जाएगा जो हमने क्रोम से डाउनलोड करके डीकंप्रेस किया था विद द हेल्पिंग ऑफ जेट आर्चीवर, राइट। तो हमारा यहाँ पे ये रहा शायद, ओके गाइस, तो हमें यहाँ पे मिल चुका है। इसको आप चूज़ कर लें। आपको यहाँ पे चूज़ करने के ऑप्शन ना मिले तो ऐड टू लाइब्रेरी कर देना, सारे ही ऐड हो जाएंगे जितने आपने डाउनलोड किए होंगे फॉन्ट, ओके। अब आप सर्च कर दें माई फॉन्ट पे जाके, आपको ये मिल जाएगा इस तरीके से। और राइट ब्रो, तो हम यहाँ पे इसको जो है कुछ इस तरीके से काफ़ी कूल लग रहा नेम, एंड अभी हम इसको काफ़ी अच्छा एडिट करेंगे। आपको सिंपल सा बताता हूँ, मेरे को जितना एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जो इस तरीके से आप एडजस्ट कर लेना एंड और भी चीज़ें हैं काफ़ी, बट मैं आपको थोड़ा सिंपल बताऊँगा। यहाँ पे आप कलर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट कलर आई थिंक नॉर्मल ही रहने दें। देन आप इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड नेक्स्ट यहाँ पे एंड इस तरीके से। और भी हाँ, ये आप देख सकते हैं सिचुएशंस जो है ये काफ़ी अच्छी है। इसको आप जो, मेरे को नेम रीड करना नहीं आ रहा है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, बट आप सभी चेक करें जो जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आप एडिट कर सकते हैं जितना आप चाहें। और राइट, तो हम जो है यहाँ पे इस तरीके से कर चुके हैं इसको। अब हम इसको करेंगे सेव। अब देखो गाइस, यहाँ पे अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं जैसे कि सनराइज सनसेट, ये तो आप कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे जाना, लिखना सनसेट PNG, ठीक है, सनराइज़ PNG डाउनलोड आपको मिल जाएंगी। एंड यदि आप इस वीडियो को आईफोन में एडिट करना चाहते हैं फोटो को, तो आप सारा कुछ कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्पिंग ऑफ पिक्सआर्ट। आप पिक्सआर्ट का यूज़ करें, आपको सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बस वहाँ पे आप जो है जंगल फॉन्ट जो है वो शायद ना मिले, बट वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप मेरे को कमेंट करके बताते हैं पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अगर आप इस PNG को भी यूज़ करना चाहते हैं, ये आपको वैसे जो है पबजी में आई थिंक मिलता है, ये कैरेक्टर है पता नहीं क्या, तो इसको मैंने यहाँ पे PNG मेरे को गूगल पे मिल गई थी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूस्ट PNG ऐसा कुछ लिख देना, भूत वाली PNG जो भी है आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ये PNG नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा नेम। मैंने इसको जस्ट यहाँ पे अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर लिए फॉन्ट ये ड्रावनी, तो आप चाहें कर लेना। बट एंड अब हम यहाँ पे करेंगे फोटो को सेव, देन टैप ऑन दिस सेव एज इमेज एडिटिंग आफ्टर, ओके। देन टैप ऑन दिस डिफॉल्ट एंड चूज अल्ट्रा, फोटो विल बी हाई क्वालिटी, ओके। देन आपको यहाँ पे JPG को सेलेक्ट करना है। टैप ऑन द सेव टू गैलरी, दैट्स ऑल गाइज। नाउ यू हैव टू गो बैक, जस्ट वेट अप टू 2 सेकेंड्स। अब आपको वेट करना है, यहाँ पे बैक कर दें एंड गैलरी को ओपन करें। और राइट, तो आपको इस तरीके से हाई क्वालिटी में आपकी फ़ोटो एडिट हो जाएगी। एंड यदि आप नेक्स्ट वीडियो में ये सारा मटेरियल मेरे थ्रू लेना चाहते हैं, जो जो मैंने यूज़ किया है फोटोज़ PNG, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट बोल दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरीके के कंटेंट लेके आएँ। थैंक यू सो मच गाइज़।